की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रंका प्रखंड की सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र को लेकर सोमवार को वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। इस संबंध में बताते चलें कि सुहागिन महिलाएं कई तरह से व्रत रखती हैं। उन्हीं व्रतों में से एक वट सावित्री का व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को रखा गया है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह और संपातों का नाश करने वाली होती है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष या बरगद के पेड़ को विशिष्ट माना गया है। कई व्रत और त्यौहार में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, इसमें से वट सावित्री की पूजा प्रमुख है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है और क्या है इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का विधान है। इसकी पूजा के भी कई कारण हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष दीर्घायु व अमरत्व के बोध के नाते भी स्वीकार किया जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में शिव शंकर का निवास होता है। इसके अलावा इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। यही वजह है कि इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। अग्नि पुराण के अनुसार बरगद उत्सर्जन को दर्शाता है। स्त्री संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करती हैं।